हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज है विजयादशमी और आज के दिन में काफी जगह में रावण दहन किया जाता है और हमारे यहाँ पास के गांव में मोहल्लेश्वर में यहाँ भी किया जाता है। तो फिलहाल मैं वहीं पे जा रहा हूँ, देखते हैं कितना कुछ यहाँ का काम जो है कम्प्लीट हुआ है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि रावण यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और कुछ कुछ काम चल ही रहा है। नीचे में यहाँ पर पटाखा सब लगाने का काम चल रहा है। अब इसको खड़ा नहीं किया गया है, खड़ा करने के बाद ये कुछ दिखेगा थोड़ा। यहाँ पर पूजा किया गया है रावण दहन से पहले, यहाँ पूजा अर्चना। और ये जो खम्बा दिख रहा है, इसी खम्बा में यहाँ पर इसके खड़ा किया जाएगा। चलिए साइड से दिखाते हैं आप सबको। ये रावण का सिर सब इस प्रकार से यहाँ पर बनाया हुआ है। थोड़ा ऊपर से अच्छा दिखता, पर क्या करें, ऊपर हाथ उठा नहीं सकते। ये जो पेटी आप देख रहे हैं, इसमें बारूद सब बम सब रखा हुआ है और नीचे वही सब काम चल रहा है। फिलहाल बम लगाने का काम चल रहा है, जो कि रावण दहन के समय ब्लास्ट होंगे। तो फिलहाल ये पेटी सब में पैक किए हुए हैं, अब लगाने का काम चल ही रहा, जारी है। ये रावण का गधा पकड़ा दिया गया है यहाँ पर। इस प्रकार से गधा है, इसका बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी खड़ा करने पर कुछ बड़ा ही दिखेगा ये, लेकिन फिलहाल तो रावण लेटा हुआ है। तो आज यहाँ पर रावण दहन के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बादल पाल धमाका यहाँ पर होने वाला है। तो फिलहाल आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, चारों ओर छोटे मोटे दुकान भी लगे हुए हैं, अभी भीड़ इतनी नहीं है। तो फाइनली अभी शाम हो चुकी है और हम वापस से आ गए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर स्टेज में काफ़ी सारे अतिथिगण मौजूद हैं, जो भी अतिथिगण चीफ गेस्ट वगैरह सब जो भी आए हुए हैं, सभी यहाँ पर रावण दहन का इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी लोग भी अभी रावण दहन का इंतज़ार कर रहे हैं, वे बहुत उत्सुकता से यहाँ पर देखने के लिए पहुँच चुके हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में रावण दहन स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि रावण दहन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम सभी भी मिल करके अभी देखते हैं आगे रावण दहन का कार्यक्रम। अभी काफ़ी सारे आतिशबाजी होने वाली है। আগুন দেখবে মা মাসিরা, আগুন কোন দিকে পড়ছে দেখবে, ঠিক না? কারণ বাচ্চা ফাচ্চা সব আছে তো। वीडियो क्वालिटी हो सकता है आप सबको थोड़ा कम लगे, क्योंकि वीडियो अंधेरा था तो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पाया है। तो फिलहाल रावण दहन काफ़ी ज़ोर शोर से चला है और देख सकते हैं आप सभी, रावण सीना ताने खड़ा हुआ है और आसपास चारों ओर आतिशबाजी हो रही है, इसलिए आगे का आतिशबाजी का लुत्फ उठा उठा বাবা এটা সুদর্শন চক্র নকিরে বাবা বাবা
तो फाइनली अब आतिशबाजी लगभग समाप्त हो चुकी है, अब सीधा रावण दहन ही बाकी रह गया है। ये देखिए आप सब देख सकते हैं कि रावण के ऊपर भी अब निशाना साध दिया गया है और अब रावण दहन शुरू हो चुका है। अब रावण के पास जितने भी पटाखे लगे हैं सब धीरे धीरे करके एक एक करके अपना चलना दिखाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी रावण के पास जितने भी पटाखे लगे थे सब अपना अपना जलवा दिखाने लगे और फिलहाल रावण के जो सर हैं वो सब उड़ चुके हैं। अब रावण धीरे धीरे जलना भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, साथ ही साथ इधर साउंड सिस्टम में गाना भी बज रहा है तो लोग काफ़ी उत्साहित और खुश लग रहे हैं, कुछ कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं। तो फाइनल रावण दहन का जो कार्यक्रम है लगभग एकदम समाप्त हो चुका है। अब रावण जो अंतिम चरण में अब धीरे धीरे वो जल करके ख़त्म हो रहा है और इधर लोग भी काफ़ी मस्ती में हैं। तो वैसे तो रावण दहन में जो कार्यक्रम है लगभग एक घंटा तक चला, तो उतना लंबा तो मैं आप सबको नहीं दिखा पाया क्योंकि एक घंटा तक लगभग आतिशबाजी हुआ, पर आप सबों को मैं ये एक घंटा का जो प्रोग्राम था उसे मैं 9-10 मिनट के आसपास में दिखा रहा हूँ क्योंकि लगभग जो आतिशबाजी काफ़ी लंबा चला, इतना लंबा तो आप सबों को दिखाना संभव नहीं था क्योंकि इतना लंबा आप सब देखेंगे भी नहीं। तो बस आप सभी देख पा रहे हैं अभी कि एकदम रावण जो है अब जलकर एकदम ख़त्म हो चुका है और वो नीचे गिर भी गया। तो चलिए इसके बाद शायद और कुछ कार्यक्रम होंगे यहाँ पर, इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं कार्यक्रम, यदि कुछ डांस वगैरह या कुछ गाना कार्यक्रम होने वाला है तो देखते हैं थोड़ी देर, यदि जल्दी शुरुआत होता है तो उसे देख के हम वापस लौटेंगे। ये रहा लास्ट का जो मोमेंट है, लोग नाचते हुए आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर रावण जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो लगभग प्रोग्राम ख़त्म होने के 1.5 घंटे बाद अब यहाँ जो स्टेज प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है और आप स्टेज में देख पा रहे होंगे कि यही हैं बादल पाल जिसका प्रोग्राम यहाँ आज हो रहा है। तो चलिए थोड़ी देर हम भी देख लेते हैं, प्रोग्राम का आनंद उठाते हैं। Yeah.
प्रोग्राम वैसे चालू है लेकिन फिलहाल मैं काफ़ी दूर में बैठा हुआ हूँ, जिस कारण से वीडियो उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, तो वीडियो देखिए, चलिए प्रोग्राम ख़त्म नहीं होने वाला है, बस मैं आपको वापस घर आने वाला हूँ। इस प्रोग्राम में काफ़ी लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे थे, लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि लोग किस प्रकार से डांस कर रहे थे साइड में। तो ठीक है, हम वीडियो को यहीं प्रारंभ करते हैं और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी छोड़ दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, बाय बाय आप सबों को और जय हिंद।